10 मार्च को अमेरिका में सबसे बड़े अवार्ड शो ऑस्कर का आयोजन हुआ, जिसके लिए फक्र है कि भारतीय फिल्म टू किल अ टाइगर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। फिल्म भले ही अवार्ड लेने से चूक गई हो, लेकिन उसका नॉमिनेट होना ही अपने आप में एक कामयाबी है। नाम सुनकर तो पहले सबको लगा कि ये फिल्म किसी वाइल्ड लाइफ पर या फिर किसी जंगली जानवर पर निर्धारित होगी, लेकिन फिल्म की कहानी एक रेप पीड़िता के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने साथ हुई ज्यादती के खिलाफ आखिर तक लड़ती है। और इसके साथ ही ये कहानी उस पिता की है जो अपनी बेटी के लिए हर मुश्किल पार करने के लिए तैयार रहते हैं। आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में विस्तार से, साथ ही जानेंगे इससे पहले भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है और सबसे पहले ऑस्कर जीतने वाली फिल्म के बारे में। टू किल अ टाइगर निशा पहुजा द्वारा निर्देशित एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसे इस साल 2024 में ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म एक ऐसे मुद्दे पर है जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये फिल्म डराती है और देखते ही देखते कई बार रुलाती भी है। फिल्म के शुरुआती सीन में एक पिता दुलार से पाली अपनी बड़ी बेटी के बारे में बता रहा है और स्क्रीन पर वही बेटी एक कैमरे में अपने बालों को सवारती दिखती है। टू किल अ टाइगर ये डॉक्यूमेंट्री झारखंड की एक 13 साल की बच्ची के गैंगरेप और उसके बाद इंसाफ की लड़ाई पर आधारित है। वो लड़की जिसके साथ अन्याय हुआ था, उसे ताउम्र एक ऐसे हैवान के साथ रिश्ते में बांधने की सलाह दी जा रही थी जो उसका गुनहगार था। फिल्म में दिखाया गया कि जब पीड़ित परिवार समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। ये कहानी जितनी उस बच्ची की है, उससे कई ज़्यादा उसके पिता की है कि डॉक्यूमेंट्री समाज के ओढ़े उस लिबास के धागों को उधेड़ देती है जिसके नीचे ढकी वो घिनौनी सोच नजर आती है, जो लड़की के साथ हुए जघन्य से जघन्य अपराध में भी उसकी ही गलती तलाश लेती है। ये फिल्म खास है, 13 साल की बच्ची का गैंगरेप और उसके बाद समझौता करवाने की कोशिश, धमकी और समाज की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए ना मिलते देख रोना आता है। इस फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जिसमें बच्ची उदास होती है, गुस्से से झुंझलाहट होती है, लेकिन फिर उम्मीद बांधती है, क्योंकि ऐसे पिता कम ही होते हैं जो अपनी बेटी के लिए समाज से भी भिड़ जाते हैं। एक गरीब किसान पिता के लिए कोर्ट के चक्कर काटना, परिवार की सुरक्षा के लिए कई रातों को जागकर पहरेदारी करना आसान नहीं होता। जिस वक्त एक बेटी के पिता को समाज ने अकेला छोड़ दिया था, उस वक्त उसे जो हिम्मत दे रही थी वो उसकी वो पीड़ित बच्ची थी जिसकी रूह तक जख्मी थी। फिल्म में एक जगह पीड़ित बच्ची के पिता कहते हैं कि कोई हमको बोला था अकेला बाघ कोई नहीं मारता है, तब हम उसे बोले थे कि अकेला बाघ कैसे मारते हैं हम दिखा भी देंगे। और इस पूरी लाइन पर ये फिल्म आधारित है, अकेला बाघ कैसे मारते हैं, यानी टू किल अ टाइगर। आपको बता दें कि ऑस्कर से पहले फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। दुनिया भर में कई बड़े सम्मान और नामी प्लेटफॉर्म पर चर्चा के बाद ये फिल्म ऑस्कर में पहुंची। हालांकि फिल्म ये अवार्ड जीतने से नाकाम रही, लेकिन इस फिल्म का बनना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। इस कैटेगरी में रूस यूक्रेन के युद्ध पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 20 डेज इन मारियोपोल ने अवार्ड जीता है। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि ऑस्कर के लिए किसी हिंदी फिल्म को शॉर्टलिस्ट या फिर नॉमिनेट किया गया हो, लेकिन भारत के लिए गौरव का पल साल 2023 का ऑस्कर रहा था, जब साउथ सुपरस्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर 2024 अवार्ड मिला। इसके अलावा भारतीय फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा की डॉक्यूमेंट्री टू एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में विनर रही है। ये तो हो गई हाल फिलहाल की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के नाम पहला ऑस्कर अवार्ड कब दर्ज हुआ था? दरअसल साल 1983 में भारत को पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था। यह अवार्ड 1983 में रिलीज हुई फिल्म गांधी के लिए हासिल हुआ था। इस फिल्म में भानु अथैया ने जॉन मोलो के साथ कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, जिसके लिए उन्हें यह अवार्ड मिला। यह अवार्ड जीतने के बाद भानु अथैया ने बताया था कि उस वक्त तमाम लोगों ने हमारी जीत का दावा पहले ही कर दिया था। उनका कहना था कि गांधी फिल्म का दायरा ही इतना बड़ा था कि उससे
कोई प्रतियोगिता करने के बारे में सोच ही नहीं सकता था।